डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से आज का हमारा इस विवेकानंद शारद शती के समारोह के अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी आज के इस शती समारोह के शुभारंभ के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर यहाँ विराजमान मंचस्थ मेरे साथ बैठे हुए स्वामी शांतात्मा जी श्री पी परमेश्वरन जी प्रमिला ताई स्वामी विवेकनाथ जी स्वामी राघवानंद जी स्वामी रितंबरानंद जी अनिरुद्ध देश पांडे जी मेरे बहुर अनन्य आत्मीय दिनेश जी राधेश्याम जी सभी देवी स्वरूपा बहनों देवतुल्य भाइयों शक्ति स्वरूपा माताओं हमारे दिल्ली के नागरिकों सभी इस यात्रा से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों स्वामी विवेकानंद जैसी हस्ती इस देश में जन्मी इस सब का हमें गर्व होना चाहिए हम लोग बड़े एक प्रकार से सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी विवेकानंद की आत्मा ने धरती पर अवतरण का और उसके लिए भी धरती पर अवतरण के लिए भी एक ऐसी भूमि को चुना बंग भूमि को चुना जहाँ से त्यागी बलिदानी स्टेट्समैन बड़े बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष निकले हैं नरेंद्र नाम का एक लड़का स्वामी विवेकानंद बनता है जब उसको गुरु का स्पर्श मिलता है पारस को छू के लोहा सोना बन जाता है पर ये तो स्वयं पारस था जो पारस बन कर के आया था और अपने गुरु को स्पर्श पा के वो अगणित गुणा बन गया नरेंद्र शिक्षा देबे ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र शिक्षा देगा वो कैसे काम नहीं करेगा और नरेंद्र ने शिक्षा दी सारे देश को सारे विश्व को और मित्रों आज जो भी कुछ हम हैं आज अगर हमारा देश आज़ाद है आज अगर आजाद देश में हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसका कारण स्वामी विवेकानंद है बहुत बड़ा श्रेय जाता है उन्होंने श्री अरविंद को मोटिवेट किया उन्होंने शहीद भगत सिंह को मोटिवेट किया उनके मोटिवेशन में लोकमान्य तिलक से लेकर सभी के सभी जितने भी महापुरुष उस जमाने के थे सब आए एक बहुत बड़ी शुरुआत उसके बाद जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई वो ये था कि आज़ादी के साथ साथ हम लोग सांस्कृतिक आज़ादी आध्यात्मिक आज़ादी आध्यात्मिक नवोन्मेष एक स्पिरिचुअल ऋणसा की ओर आगे बढ़ते अनफॉर्चुनेटली उस पार्ट में हम लोग थोड़े से पीछे रह गए और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि हमारी खुद की उदासीनता खुद की अक्षमता हमारे नेता नेतृत्व जो था हमारा वो अक्षम था और वो संभाल नहीं पाया आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जागृत हो और आध्यात्मिक प्रक्रिया के माध्यम से एक सारे के सारे देश के हमारे वंचित वर्ग के आदिवासियों हमारे जन जन के बीच में एक आशा का संवाद आया सतत निरंतर जब से हम उनका जन्मदिन जन्म दिवस मनाते चले आ रहे हैं तब से बराबर निरंतर एक स्फूर्ण अंदर से होती रहती है कि स्वामी विवेकानंद ने हमने हमें तीन वाद दिए एक तो दिया ईश्वरवाद कि ईश्वर में विश्वास करो और उसका शुरुआत तुम तो अपने आप से शुरुआत करो आत्मसत्ता पे विश्वास ही ईश्वर विश्वास है। ये सबसे बड़ी आस्तिकता की परिभाषा जो स्वामी जी ने दी वो बड़ी दी उसके बाद दूसरा जो उन्होंने दिया अद्वैतवाद कि कहीं और नहीं है भगवान भगवान तुम्हारे अंदर है और यदि इस भगवान को तुमने मान लिया इस भगवान की सत्ता पे विश्वास कर लिया तो तुम अनंत निर्विकारी तुम आत्मा हो तुम्हारे अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है कि तुम उसके माध्यम से कुछ भी कर सकते हो एक अनंत विश्वास एक आत्मविश्वास जो कि इस गुलाम भारत के लिए बहुत जरूरी था आज़ाद हो चुके भारत के लिए भी जरूरी था और अब मित्रों अब वो समय आ गया है जब हम लोग एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहे हैं मैं आपसे निवेदन कर रहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी विवेकानंद ने आशावाद जगाया अद्वैतवाद की बात की और ईश्वरवाद की बात की आशावाद इस देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कोई भी देश निराशा में जब रहता है तो कुंठित हो जाता है और बहुत परेशानी में पड़ जाए हमारा युवा जो है बेरोजगारी में कुंठित अवस्था में और जब वो देखता है बड़ों की ओर नेतृत्व करने वालों की ओर तो वो लोग निराश करने वाले दिखाई पड़ते हैं चरित्र की दृष्टि से गिरे हुए भ्रष्टाचार में लिप्त तो ऐसे में युवा का खड़ा होना निश्चित सुनिश्चित है युवा खड़ा नहीं होगा तो कैसे कोई देश जगेगा और भारत के साथ एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास साठ से लेकर पैंसठ करोड़ युवा आने वाले बीस वर्षों तक हमारा नेतृत्व करने के लिए तैयार है आप मौका तो दीजिए आप उन्हें अवसर तो दीजिए आप अवसर नहीं देंगे तो वो छीन लेंगे अभी इंडिया गेट पे छीन लिया उन्होंने अवसर और उन्होंने ये दिखा दिया कि वास्तव में यदि लोग सामने नहीं आएंगे तो हम लोग सामने आ जाएंगे और उसका कोई चेहरा नहीं होगा हम लोग स्वयं होंगे तो मित्रों स्वामी विवेकानंद एक रोल मॉडल के रूप में उभर के सामने आते हैं हमारे सामने हम सबको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है हम अपने चरित्र को मजबूत बनाते हुए गृहस्थ जीवन जीते हुए भी युवावस्था में अपने सारे के सारे आदर्शों को जीते हुए अपने सारे के सारे जितने भी आपके जो सपने हैं उनको भी जीते हुए कैसे राष्ट्र सेवा कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास नमूना है साक्षात जीवंत नमूना साढ़े उनचालीस साल जीव जिया जीव, हुआ जीव, जीवन अराउंड फोर्टी इयर्स ही लिव्ड फॉर मासिस लोक शिक्षण उन्होंने कहा कि मेरे मेरी इच्छा है कि मैं घर घर सदविचार फैला दूँ आई वॉन्ट टू स्प्रेड राइचस्ट थॉट्स इन ईच एंड एवरी हाउस ऑफ दिस कंट्री एंड अब्रॉड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आई वांट टू स्प्रेड अच्छे विचार में पहल फैलाना चाहता हूँ मित्रों अच्छे विचारों के लिए इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि हमारे पास स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद का बोला हुआ इतना कुछ साहित्य हमारे पास है कि आज यदि हम कुछ पढ़ना भी चाहें तो इधर उधर जाने के बजाय हम उन्हीं को पढ़ें उन्हीं को समझें उन्हीं को जीवन में उतारने की कोशिश करें मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप रोज़ रोज थोड़ा थोड़ा प्रतिशत विवेकानंद को जीवन में उतारना शुरू करें विवेकानंद निरासक्त थे विवेकानंद कर्मयोगी थे विवेकानंद गुरु के थे, विवे भक्त थे विवेकानंद देशभक्त थे विवेकानंद योद्धा थे विवेकानंद सन्यासी थे हम सन्यासी बने तो ऐसे सन्यासी बनने की जरूरत नहीं जैसे कि आप और उन और सन्यासी इस मंच पर देख रहे हैं आप सन्यासी बने तो सन्यास द्वेष से सन्यास जलसी से इससे ले लीजिए आप सन्यास दुनिया भर की जो नेगेटिविटी है जो नकारात्मकता है उससे संन्यास ले लीजिए अगर आप उससे अटैचमेंट खत्म कर देंगे तो आप एक राष्ट्र के जागृत नागरिक बन जाएंगे आज इस राष्ट्र को जागृत युवाओं की प्रबुद्ध युवाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता है और मित्रों हमारा प्रबुद्ध युवा हमारा युवा जो है वो पैकेज की नौ पैकेज की लैंग्वेज समझता है तो आज पांच लाख का पैकेज है दस लाख का पैकेज है बीस लाख का पैकेज है थोड़ा थोड़ा युवा उधर चला जाता है थोड़ा युवा जो पढ़ाई में नहीं ऊपर आ पाता वो 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 पीछे रह जाता है वो बेरोजगारी की श्रृंखला में जुड़ जाता है यूनिवर्सिटीज़ यु, यु, में हड़तालें करता है यूनिवर्सिटीज़ को जलाता है ये करता है उसको दिशा चाहिए एक युवा जो नशे की गिरफ्त में है उसको भी दिशा चाहिए तो मित्रों युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए अगर कोई हमारे सामने रोल मॉडल है तो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं इन विवेकानंद को हम जितने घरों में पहुंचाएंगे जितने जन जन के बीच में पहुंचाएंगे उतना ही सही अर्थों में इस राष्ट्र का नवोन्मेष राष्ट्र का नया जागरण शुरू हो रहा है मित्रों ये एक बहुत बहुत बढ़िया प्रक्रिया है कि दो के डेढ़ वर्ष श्रार्द समारोह से हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं सुदर्शन जी और मोहन भागवत जी दोनों के बहुत संपर्क में रहा हूं और मैंने उनको बताया भी है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने एक बहुत अनन्य मित्र अपने अनन्य सखा और अपने बड़े भाई जी के तरह मानते थे राजा राखाल महाराज को लिखे हुए पत्र में कहा है कि राखाल यू आर नॉट अवेयर दैट द न्यू एरा हैज स्टार्टेड विद द बर्थ ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऑन इन 1836 इट विल टेक 175 इयर्स टू ब्रिंग द अशर इन द न्यू एयरा एंड दैट वन सेवेंटी ईयर एंड्स इन 2011. 2011 में वो समय समाप्त हो गया उसी के साथ 2012 में मेरे गुरुदेव की जन्म शताब्दी का समारोह आया परम गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और उसके साथ साथ 2013 में स्वामी विवेकानंद का जन्म शताब्दी समारोह है मित्रों ये समारोह यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा लाल किले तक सीमित नहीं रहेगा आप ये मान करके चलिए लाल किले पे कही हुई कोई भी बात जो है वो सारे भारत में गूंजती है और सारे भारत में विस्फोट करके रहती है हम यहाँ से एक विस्फोट करें कि हम विवेकानंद को हर युवा के हृदय में पहुँचाएंगे हम विवेकानंद के कण को कण कण में जीने की कोशिश करेंगे एक एक परसेंट करके पॉइंट वन परसेंट करके विवेकानंद हमारे अंदर आने की कोशिश करना चाहते हैं निवेदिता हमारे अंदर आने की कोशिश करना चाहती है यदि हम उनको आने का मौका देंगे तब ना हम कोशिश करें कि हम कितना उनको जीवन में उतार सकते हैं भाइयों बहनों ये बहुत स्वर्णिम अवसर है ऐसा अवसर बार बार नहीं आने वाला आप आज से जैसे कल हमारे सरसंख चालक जी ने कहा कि आज से और अभी से राइट हियर एंड नाउ टेक एथ टेक ए प्लेज आज ही आप एक संकल्प ले लीजिए आज ही एक निर्माण करने का संकल्प ले लीजिए नए भारत का निर्माण करना है और सारे विश्व को भारतमय बनाना है सारे विश्व को जगत गुरु बनाना है और इस जगत गुरु भारत ही उस विश्व को बना सकता है विश्व को परिवर्तन की प्रक्रिया में गतिशील कर सकता है और उसकी धुरी बनेंगे स्वामी विवेकानंद और उनका मिशन अवे स्टॉप नॉट टिल द गोल इज टीच हम भी उठेंगे हम भी जगेंगे आदमी उठता तो है 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 पर जगता नहीं है। उठने के के बाद बाद जगना जरूरी है, जगने के बाद चलना जरूरी जगने चलना चलो उठो जागो रुको मत और फिर रुको भी मत रुकना नहीं रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ आज इतने लोग लाल किले में आए हैं आज आप सुन रहे हैं मेरी बातों को सुन रहे हैं आप और भी महानुभावों की बातें सुनेंगे और आप उसके बाद घर चले जाएंगे कल से हमारा रूटीन वही चालू हो जाएगा वही ट्रैफिक जाम दिल्ली का वही ट्रैफिक जाम वही इंडिया गेट पे प्रदर्शन और वही उसी तरह की बातें चालू हो जाएंगी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ये हमारे अंदर से क्रांति चालू होनी चाहिए ये क्रांति जब अंदर से चालू होगी और एक एक व्यक्ति बदलेगा जब व्यक्ति बदलेगा हम बदलेंगे तो युग बदलेगा हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा ये आप अगर मान के चलेंगे तो हम शुरुआत अपने आप से करें और शुरुआत अपने आप से करके हम विवेकानंद को अपने जीवन में आने का अवसर दें विवेकानंद की शारद क्षति के इस अवसर पर नवयुग की शुरुआत के अवसर पर मैं ऐसा मानता हूँ कि डेढ़ साल हो गए उनकी आने के अठारह में जन्म लेने के बाद अब यह नया जमाना चालू हो गया है अब इसको कोई रोक नहीं सकता अब भारत के उत्कर्ष को कोई रोक नहीं सकता मित्रों तो एक जमाना था जब भारत में लोग जा लोग बाग जो है भारत से बाहर जाते थे पढ़ने के लिए अब एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब भारत का नालंदा तक्षशिला परम्परा पुनःजीवित होगी और शिक्षा और विद्या दोनों मिलकर के सार्थक समन्वित समय स्वरूप के रूप में आएंगी सामने मित्रों ये ज़माना ऐसा है जब लोग बाहर से यहाँ आना चालू करेंगे और हम अगर दुनिया को कुछ दे पाएंगे तो हमारे पास ज्ञान ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास नॉलेज जो आज दुनिया के पास शिक्षा है दुनिया के पास एंटरटेनमेंट है दुनिया के पास इन्फॉर्मेशन हैं इंटरनेट में इंफॉर्मेशन्स हैं पर हमारे पास क्या है गॉट नॉलेज ऑफ उपनिषद नॉलेज ऑफ वेदाज नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ वेदांत ऑल दिस नॉलेज टू गिव टू होल मास सबके सब भूखे सब हैं प्यासे हैं मैं रशिया गया मैं जापान गया मैं चाइना गया मैं जगह जगह देखा लोग भारत के ज्ञान के प्यासे हैं हमें देने के लिए सही अर्थों में विवेकानंद के रूप में एक अग्रदूत बनना पड़ेगा आप में से सब विवेकानंद बने आप में से सब बहने निवेदिता बने तो आप देखते चले जाइए कि परिवर्तन कैसे नहीं आता हम परिवर्तन ला करके दिखा देंगे ये संकल्प आज लाकर के आपको दिखाना है और यह संकल्प अपने अंदर लेना है कि कोई और करे ना करे मैं तो करूंगा कोई और करे ना करे मैं तो उनके सूत्रों को जीवन में उतारूंगा कोई और करे ना करे पर मैं अपने आप से शुरुआत करूंगा मैं अपने परिवार मैं अपने दोस्तों अपने मित्रों अपने बॉस अपने सहयोगियों अपने सहपाठियों के माध्यम से इस बात को शुरू करूंगा आज जो रथ यात्रा शुरू हो रही है यहाँ से जो एक यात्रा निकलेगी मित्रों ये यात्रा नहीं बल्कि एक प्रकार से नए भारत के जागरण का उद्घोष है नए भारत के जागरण का उद्घोष नया भारत जाग गया है अब इसको कोई रोक नहीं सकता अब पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे हुए लोग और अन्य लोग हमें बार बार लुभा नहीं सकते हमें बार बार भरमा नहीं सकते हमें सांस्कृतिक नवोन्मेष चाहिए हमें सांस्कृतिक एक प्रकार से क्रांति चाहिए और यह क्रांति अगर आएगी तो आध्यात्मिकता के आधार पर आएगी और ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाने वाले तंत्र हमारे पास मौजूद है सब कुछ हमारे पास है पूरा करिकुलम है पूरा पाठ्यक्रम है पूरा जीवन है देखने के लिए रोल मॉडल है हमारे पास बस रोल मॉडल को हम जीने जी लें थोड़ा सा अपने जीवन में तो मित्रों ये एक संकल्प आपको लेके जाना है समय ऐसा आ रहा है भारत सारे विश्व का जगत था कभी और जो सोने की चिड़िया कहलाता था मित्रों अब वो समय आ रहा है जब भारत फिर से विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है आने वाले पाँच साल सात साल आप मेरी बात को मॉनिटर करिएगा वॉच करिएगा 2020 तक आप देखेंगे भारत अर्थ क्षेत्र में धर्म क्षेत्र में हर क्षेत्र में आपको नेतृत्व करता हुआ दिखाई पड़ेगा हमारे पास इतना मादा है हमारे पास इतना पोटेंशियल है हम सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे गायत्री परिवार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे हम मिलजुल करके जुड़ेंगे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अम्मा अमृतांदमयी माँ का संगठन और उसके साथ साथ रामकृष्ण मिशन यदि ये चार संगठन मिलकर के काम करते हैं तो मित्रों तो देश की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती हम मिलकर के काम करके भारत को जगत गुरु बना के रखेंगे खूब खूब मंगल कामनाएं खूब खूब खेत्री नरेश की प्रार्थना पर स्वामी विवेकानंदा का यात्रा शुभारंभ पर शंकर ध्वनि